देखिए ब्रजभूषण सिंह इस तरह की बात करते हैं, ये हमें नहीं लगता है कि वो एक सांसद के रूप में इस तरह की बातें करना चाहिए, ये असंवैधानिक है। और कहीं ना कहीं इस बात से वो ये जाहिर करते हैं कि वो अशिक्षित है, पहले तो उनको शिक्षा लेनी चाहिए। और ये 15 रुपए वाली बात नहीं है, ये सम्मानजनक बात है जो विश्व स्तरीय रूप पे हमारे पहलवानों ने ये पदक पाया है, इसके लिए तो हमें गर्व का विषय है, ये हमारे लिए सम्मान का विषय है। आप 15 रुपए में तोल रहे हैं, उनका पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही बना है, और उन्होंने अपने 30 वर्ष की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही महत्वता दी है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और तमाम महिला खिलाड़ियों के समर्थन में जगह जगह से लोग पहुंच रहे हैं। ये लगातार कहा जा रहा है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, इस्तीफा नहीं सौंपेंगे, तब तक लगातार समर्थन करते रहेंगे। और ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आखिर बीजेपी सरकार चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, आपको बता दें कि महज 1 महीना हो चुका है, 1 महीना होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया, इसका जवाब भी केंद्र सरकार के पास है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक जो है यहाँ पर बात करने को तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है विधानसभा चुनाव में बिजी हैं। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है, विशुद्ध राजनीति की दास्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन लगातार किया जा रहा है, ये तमाम आरोप जो है विपक्ष की पार्टियां लगा रही हैं। तो क्या अब ये तय है कि आने वाले वक्त में विपक्ष के समर्थन से, नेताओं के समर्थन से और जनता के समर्थन से विनेश फोगाट और तमाम महिला खिलाड़ियों को जो है यहाँ पर न्याय मिल जाएगा? इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मुकेश राजपूत है। हाँ। मैं जिला जालौन उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आम आदमी पार्टी यूथ विंग से जिला जालौन का जिला अध्यक्ष हूँ। तो आप समर्थन करने के लिए जालौन से यहाँ पर आए? बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे ये है कि समर्थन लगातार लोग कर रहे हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आंदोलन बड़ा हो गया है, इसके बावजूद भी केंद्र की सरकार तक चुप्पी नहीं तोड़ रही है, इस चुप्पी के पीछे क्या राज है? इस चुप्पी के पीछे उनका वोट बैंक का राज है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म और जाति की एक चुनावी रणनीति करती रही है, और ब्रजभूषण सिंह कहीं ना कहीं एक ठाकुर समाज के बाहुल के नेता हैं, और वो 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उस चुप्पी साधे है जिससे उनका वोट बैंक फिसले ना हो। वोट बैंक की आपने बात की, ठीक है, राजनीति से आपने जोड़ दिया, लेकिन इस आंदोलन को भी राजनीति का अखाड़ा बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन भी अब जो है राजनीति में तब्दील हो चुका है, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये आंदोलन न्याय का आंदोलन है, ये आंदोलन हमारी पहलवान की मांग का आंदोलन है, हमारे पहलवान की रक्षा एवं सुरक्षा एवं सम्मान की लड़ाई है, और हम इस लड़ाई के लिए हमेशा उनके समर्थन में है और कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार है। यहाँ पर पदक को 15 रुपए का पदक बोल दिया गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए ब्रजभूषण सिंह इस तरह की बात करते हैं, ये हमें नहीं लगता है कि वो एक सांसद के रूप में इस तरह की बातें करना चाहिए, ये असंवैधानिक है। और कहीं ना कहीं इस बात से वो ये जाहिर करते हैं कि वो अशिक्षित है, पहले तो उनको शिक्षा लेनी चाहिए। और ये 15 रुपए वाली बात नहीं है, ये सम्मानजनक बात है जो विश्व स्तरीय रूप पे हमारे पहलवानों ने ये पदक पाया है, इसके लिए तो हमें गर्व का विषय है, ये हमारे लिए सम्मान का विषय है। आप 15 रुपए में तोल रहे हैं, उनका पूरा का पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही बना है, और उन्होंने अपने 30 वर्ष की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही महत्वता दी है। पैसों की आपने बात की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2024 का चुनाव नजदीक है, और चुनाव के पहले पहले ये कहा जा रहा है कि जो आंदोलन है इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए इसमें फायदा किसी को नहीं है, और ये आंदोलन राजनीतिक करण नहीं है, जिसमें ना हम फायदे और नुकसान की कोई दृष्टि लेके चल नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, हम लोग सम्मान की मांग कर रहे हैं, हमारी बहनों को सम्मान मिले, उनको न्याय मिले, इसकी हम हर संभवतः मांग करते रहेंगे। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा जनसमूह है, अगर हमारी बहनों को, हमारे पहलवान साथियों को अगर सम्मान नहीं मिला तो पूरे देश में ये आंदोलन जारी रहेगा, और जब तक सम्मान नहीं मिल जाता जब तक हम लोग चैन की नींद सोने वाले हैं। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि दिल्ली पुलिस और न्याय व्यवस्था पर आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार ये कह रही है कि कार्रवाई जारी है, और केंद्र की सरकार भी लगातार जो बीजेपी के नेता है वो इसी तरह की बात करते नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि न्याय पर जो है भरोसा होना चाहिए? देखिए न्याय पर पूरा भरोसा है हमें, और हम सुप्रीम कोर्ट के हर न्याय का पालन भी करने को तैयार है, परंतु हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी भी तरह से सरकार द्वारा कुछ साक्ष्य तो दिए जाएं जिसमें उनको निर्दोष साबित करने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं वो चीज ओपन टेबल तो की जाए, जनता के बीच में तो रखी जाए, क्योंकि ये बात एक व्यक्ति की नहीं रही है, अब सिर्फ पहलवानों की नहीं रही है, ये बात
हर एक भारतीय की रही है, इसलिए हर एविडेंस को, हर तथ्य को, हर चीज को एक सार्वजनिक रूप से करना चाहिए, जिससे देश की जनता को भी तो पता चले सत्य सत्य कौन है, गलत कौन है, सही कौन है। देखिए लगातार यहाँ पर देखा जाए तो तमाम जगह से जो है जनता पहुंच रही है, अपनी बात को रख रही है, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर समर्थन करते रहेंगे, आखिरी सांस तक करते रहेंगे, यहाँ पर महिला खिलाड़ियों का जो सम्मान है वो वापस दिलाकर रहेंगे, क्योंकि ये एक महिला की बात नहीं है, तमाम महिलाओं की बात है। आप कैसे देखते हैं, पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात जो है केंद्र सरकार करती है, बेटी बचाने की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आंदोलन लगभग एक महीना इसको हो गया है, तो क्या सच में ये बेटियों के साथ पक्षपात वाली राजनीति है? जी हाँ, ये बिल्कुल पक्षपात वाली ही राजनीति है, क्योंकि अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का इनका सच में कोई कार्य होता तो अभी तक कोई ना कोई बहुत बड़ी कार्रवाई हो चुकी होती, इतने बड़े पद पर बैठे हैं, उनका पद छीना जा चुका होता, जेल में जा चुके होते, अभी तो कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए वो कार्रवाई कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ और नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखा रहे हैं कि हाँ भाई कार्रवाई चल रही है। एक उनने पहले जाँच कोई कमेटी बैठाई थी, उसमें हमारे पहलवानों को बुलाया नहीं गया ना, उसके बिना उन्हें अपना काम कर लिया और वो जमा हो गई, उसके बाद उन्हें जानकारी भी नहीं मिली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये एक हिसाब से गलत ही हो रहा है, और बेटियों के साथ में नहीं खड़े हैं वो। उस दिन मतलब जिस दिन मेडल जीत के आई थी उस दिन प्रधानमंत्री जी कहते हमारी बेटी है, हमारा परिवार है, आज कहाँ गई आपकी बेटी? आज एक ब्रजभूषण की वजह से आपने अपनी बेटी को भूल गए, आप अपने परिवार को भूल गए, और ये पूरे किसान जो जिनकी वजह से पूरी रीढ़ की हड्डी है हमारा देश की, रीढ़ की हड्डी किसान और उनके बच्चे पहलवान और हम आम इंसान किसी की सुनी नहीं रहे, फिर किसकी सुनेंगे? लेकिन लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह फेसबुक पर लाइव आ रहे हैं, उस बात को लगातार कह रहे हैं, क्योंकि कोई गलती नहीं है, फंसाने की कोशिश की जा रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? फंसाने की कोशिश की जा रही, पूरा देश देख रहा है कि उन्होंने क्या किया है, पहलवानों के साथ गलत किया है, गलत करने के बाद भी वो अपने को गलत नहीं बता रहे हैं, इसमें कार्रवाई किया है और कार्रवाई में मोदी जी भी नहीं सुनाई दे रहे हैं। मोदी जी ने एक बार ये चीज जो बेटी बचाओ का आपने बताया, इसमें एक बार मोदी जी ने क्या इफेक्ट निकाला था, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, तो मोदी जी तो शुरू से ही नहीं देखते रहे हैं बेटियों को, आज क्या देखेंगे? आज बेटियां यहाँ पे धरने में बैठी हुई हैं, हमारी बहनें, हमारी सभी माताएं, बुजुर्ग सभी लोग आए हुए हैं, सब अलग अलग जिले से, अलग अलग जगह से, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनने के लिए तैयार है, तो ये क्या है, एक दादागर्दी और एक गुंडागर्दी, तानाशाही, यही दिखाने वाले की बात कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि कार्यवाही में देरी की जा रही है, देरी अगर हो रही है तो इसका कारण क्या है? देरी होने का कारण जो भूषण है उनका तो मैं नाम ठीक से नहीं जानता, लेकिन उनको उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करने का मेन कारण ये है कि उनका जो है उनके इलाके में 2-4-5 सांसद पे प्रभाव है, और ये राजनीति और अपने हित के लिए, वोट के लिए, इसके वजह से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो प्रभाव की आप बात कर रहे हैं, प्रभाव किस टाइप का प्रभाव की बात आप? गुंडागर्दी का प्रभाव, दबंगई का प्रभाव, ये सब प्रभाव उनके ऊपर ब्रिजभूषण लेके चलते हैं इसके वजह से। और उन्होंने तो एक किसी चैनल के द्वारा ये भी कहा था कि वो किसी एक का मर्डर भी किए थे, तो ये उनके ऊपर दबंगई का प्रभाव और आदरणीय श्री नरेंद्र जी का आशीर्वाद है, योगी जी का आशीर्वाद है और अमित शाह जी का। यानी कि अगर देखा जाए तो जनता ये कहना चाहती है कि यहाँ पर दबंगई पर आशीर्वाद है, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं दबंगई लोगों पर जो है आशीर्वाद बनाए रखे हैं, लेकिन आशीर्वाद है या नहीं ये जनता का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन देखना ये होगा कि इस मुद्दे को लेकर जो है जनता और क्या सोचती है। आपको क्या लगता है कि न्याय मिलेगा? न्याय ऐसे नहीं मिलेगा, मोदी जी पूरा सपोर्ट में है, ब्रजभूषण के साथ में, अगर सपोर्ट में ना होते तो आज बहनों के अपने बेटियों के साथ में होते, क्योंकि बेटी के साथ ये तो नारा फेक उन्हें बोला था, ये चुनाव के उससे बोला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटी बच रही है? जब ब्रजभूषण जैसे गुंडाओं को आप पद देते हैं, उनसे इस्तीफा नहीं लेते हैं, कैसे न्याय मिल जाएगा उनको? उनको न्याय मिल ही नहीं सकता है। अगर जब तक अगर न्याय मिलना होता तो जंतर मंतर तक अभी तक आ गए होते नरेंद्र मोदी जी, वो तो ऊपर से अपना टच स्क्रीन में खुद देख रहे हैं टिक टिक करके कि क्या हो रहा है कहाँ हो रहा है, कितने दिन धरना करेंगे, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, ज्यादा अभी थक जाएंगे फिर बैठ जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते रहते हैं सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए,
लिए सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को जो है यहाँ पर उनका वोट बैंक खींचने के लिए। अब देखना ये पड़ेगा कि जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन कब तक चलेगा और यहाँ पर कौन कौन लोग समर्थन करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि ये आंदोलन जो है बड़ा होता चला जा रहा है। यहाँ पर तमाम जगहों से लोग पहुंच रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, राजनेता पहुंच रहे हैं, यहाँ पर तमाम खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो विपक्ष की पार्टियां पहुंच रही हैं, लेकिन आंदोलन का अंजाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा, ये वक्त तय करेगा। क्या विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा, ये अंतिम सवाल मेरा आप सभी से रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।